हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल द मेडिक ब्रेन्स। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जरूर से फॉलो करें। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट medicbrains.com को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसमें हम फ्री ईबुक्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स 2 साल में कंप्लीट होता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। इस सब्जेक्ट में हम नर्सिंग प्रिंसिपल्स, नर्सिंग हिस्ट्री, नर्सिंग प्रैक्टिस, फिलोसफी ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, थियोरीज एंड प्रोसेस ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन में हम भोजन के न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, वाटर आदि के बारे में पढ़ते हैं, और डाइटेटिक्स में हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं, भोजन का हेल्थ पर किस तरह से प्रभाव होता है, ये सारे नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री में जीवित जीवों के शरीर के भीतर उनसे जुड़ी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और बायोफिजिक्स में फिजिकल मेथड को अप्लाई करके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। बायोफिजिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। फोर्थ सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट में ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर एंड इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ सब्जेक्ट है मैटरनल नर्सिंग। मैटरनल नर्सिंग में हम पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान महिलाओं की देखभाल, उनकी केयर किस तरह से करनी है। सिक्स्थ सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इस सब्जेक्ट में हम नवजात शिशुओं से लेकर किशोर अवस्था तक के बच्चों की देखभाल के बारे में पढ़ते हैं। सेवेंथ सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, फंगस के बारे में पढ़ते हैं। एट्थ सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये सब्जेक्ट एक नर्सिंग स्पेशलिटी एरिया है जो वयस्क रोगियों की देखभाल से संबंधित है। इसमें हम डिसीज प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। नाइन्थ सब्जेक्ट है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में हम इंग्लिश कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रोफेशनल वर्क में इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, रिक्वायरमेंट एंड यूजेज के साथ ग्रामर, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि के बारे में सीखते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के बारे में, जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस सब्जेक्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक नर्स द्वारा कम्युनिटी को दी जाने वाली हेल्थ सर्विस, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इस सब्जेक्ट में मेंटल इलनेस और डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, मेडिकल केयर आदि, कैसे मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट को प्रोवाइड एंड सपोर्ट करते हैं, ये पढ़ते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन। इस सब्जेक्ट में पर्पस ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिस ट्रेनिंग और नर्सिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से ऑर्गेनाइज, एनालाइज, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किया जाता है। एंड लास्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च में हम किसी भी स्टडी की सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मटेरियल्स और सोर्सेस बारे में पढ़ते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स में डाटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और डाटा को किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी सीरीज़ के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट्स के बारे में,
जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।